लीजिए। करुणा, क्या हुआ पापा जी? तुमने विवान को देखा? विवान? विवान तो अंदर घर में है ना? अरे नहीं, मैंने घर में सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। आपने सब जगह देखा ना? हाँ, कहीं नहीं मिला। विवान नहीं है। अरे 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 दादाजी, दादाजी आप बेफिजूली चिंता कर रहे हैं। देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब आपने विवान को डाइनिंग रूम में, किचन में, हॉल में, विवान के रूम में, मेरे रूम में, आपके रूम में, अरे हाँ हाँ सब जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन आपने टेरेस पे नहीं देखा ना जी? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं दादाजी, वो टेरेस पे ही है, मैं भी उसी के साथ था। वो क्या है ना, बच्चे प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ विवान के साथ। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे डब्बू इज अप टू समथिंग? ध्रुव तारे पर जाने से पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया, पहले वो पूरा कर लेता। आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा सकता हूँ। माँ, मैं विवान के साथ रहता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। आप? हाँ हाँ दीपू, तुम विवान के पास जाओ, हम दोनों यहाँ संभालते हैं। हाँ हाँ बेटा। घर के अंदर जाने के बदले ये डब्बू बाहर किसको हिम्मत देने जा रहा है? Something is really fishy here. आखिर पहेली सुलझा ही नहीं तुमने ना काबूश, इसी पल का तो इंतजार कर रही थी मैं।
जिस भी मकसद से जा रहे हो, मेरा वादा है तुमसे कि वो मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी। रोतारे के सामने चार विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी तीन दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है, अपनी आंखों की नहीं मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती है, मन नहीं। मम्मी, क्या पंखा कर रहे हैं आंटी? सॉरी, इंस्ट्रक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपनी पूरी टीम को यहां से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बम का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं, और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। ये क्या बोलते हो? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप स्टॉप फायरिंग, चलो चलो। मोंडी, मोंडी उठ। ये क्रिकेट और कर गया, आप सब 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंडी, मोंडी कुछ नहीं हुआ, उठ। लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है, लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ 1 दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4। शुरुआत इस दरवाजे से करता हूं। इस दरवाजे से तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं,
शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकलना होगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट चीज से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटेगी नहीं, जाके देख क्या जा। ठीक है भाई, फटाफट जा। मोंटी, मोंटी, अंकल। मोंटी कुछ नहीं हो, उठ। अंकल, I'm very hungry. अबे चुप! दादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। ए चुप! अंकल मुझे प्यास भी लगी है, पर घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ तीन लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। ए उठ। नहीं 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 नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया से उठ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ। नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ। नहीं, उठ नहीं। बैठ बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में, बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप। मोंटी, मोंटी उठ। विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपनी पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलेन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू, जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। अब आप और ज्वाला पर भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है, शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1BHK फ्लैट जैसा।
लगता है भाग गया सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मधुमक्खी कहां से आ गई? क्या हुआ, इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना? बॉन्डी, बॉन्डी उड़ना, बॉन्डी। मोंडी की तो बच गई फाइनल घंटी, अब सिर्फ तुम बची हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है।